हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी रिसर्च। होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। माय नेम इज प्रीति, आई एम रिसर्च स्कॉलर एट आईआईटी बॉम्बे। तो इस चैनल पे हम पीएचडी एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपके फेवरेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से वीडियोस चेक कर सकते हो। मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी पटना के बारे में। तो आईआईटी पटना की तरफ से पीएचडी के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं। उसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, विच इज़ iitp.ac.in। उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिस बोर्ड दिखेगा जहाँ पे आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन दिखेंगे। यहाँ पे JRF, रिसर्च एसोसिएट, PhD, MTech के लिए नोटिफिकेशन इनवाइट किए गए हैं। तो आप यहाँ पे भी वॉल कर सकते हैं, तो आप सारे नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 6 नंबर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन जुलाई 2024 ऑटम सेमेस्टर। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको सारे डिटेल इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। तो यहाँ पे पीएचडी एडमिशन जुलाई 2024 एप्लीकेशन डेट जो है वो स्टार्ट होने की दी हुई है, जो कि 1 अप्रैल है, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन करने की वो 21 अप्रैल है। तो 21 अप्रैल तक के आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और एप्लीकेशन करने के लिए एप्लीकेशन लिंक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, और यहाँ पे भी नोटिस बोर्ड दिखा है वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगी। तो फर्स्टली हम एडवर्टाइजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है आईआईटी पटना की तरफ से, और डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन किए हुए है, और डिटेल एरिया ऑफ रिसर्च आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, उसमें आपको रिएक्शन इंजीनियरिंग, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, एनर्जी स्टोरेज, प्रोसेस डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये सब मिलेगा आपको। फिर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल मिलेगा। फिर सिविल इंजीनियरिंग के इतने सारे दिए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस के इतने हैं, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इतने डिपार्टमेंट्स एरिया दिए हुए हैं। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में आपको इंग्लिश, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अप्लाइड साइकोलॉजी और फिर इकोनॉमिक्स ऐसे आपको मिलेगी। मैथमेटिक्स में एरिया ऑफ रिसर्च इतने मिलेंगे। फिर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एरिया ऑफ रिसर्च मिल जाएंगे, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग्स के मिल जाएंगे, फिजिक्स के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सारे जो जितने भी डिपार्टमेंट अवेलेबल है, सारे डिपार्टमेंट के लिए जो है एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं पीएचडी के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एडमिशन दी हुई है। तो फर्स्ट कैटेगरी है रेगुलर फुल टाइम, उसमें जो भी स्टूडेंट है इस कैटेगरी में वो फुल टाइम पीएचडी डिग्री उनको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट है इंस्टीट्यूट फेलो, जो कि फुल टाइम में कर सकते हैं, जिसके लिए आपका बीए, बीटेक, बीएस, एमएससी, एमए, एमबीए है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, विद वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए और मीन्स अबो द प्रिस्क्राइब कट ऑफ, और नेट क्वालिफिकेशन जो LS क्वालिफिकेशन है नेट का वो भी रहा तो भी चलेगा। अगर आपका गेट स्कोर वेव ऑफ किया, अगर आपने कोई भी CFTI इंस्टीट्यूट है तो आपका गेट स्कोर वेव ऑफ किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट IIT से बीटेक किए हुए हैं तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो ME MTech है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ME MTech, MPhil और इक्विवेलेंट डिग्री, उनको गेट क्वालिफिकेशन जो है वो ओल्डर देन 5 ईयर्स रहेगा फॉर द डेट ऑफ सबमिशन तो भी चलेगा, ठीक है। तो जो लोग भी 5 साल तक है, अगर 24 है तो 2019 का गेट स्कोर भी चलेगा।
और रिसर्च फेलो है सेकंड कैटेगरी जो है रेगुलर फुल टाइम में, जो कि जिनका JRF है SRF है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनका CSTR UGC DBT DST इंस्पायर्ड फेलोशिप वगैरह जो है, जिनका JRF है वो लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। थर्ड कैटेगरी है रेगुलर में प्रोजेक्ट स्टाफ का, जो भी स्टाफ है IIT पटना के वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर है सेकंड कैटेगरी है स्पॉन्सर फुल टाइम, जिसमें मिनिमम 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस रहेगा, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU ऑटोनॉमस बॉडीज, या फिर आपका कोई भी कॉलेज रहेगा, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिएगा मिनिमम 2 इयर्स का, और आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगी। फिर है थर्ड कैटेगरी है एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम, तो जो भी एम्प्लॉयड है वो पार्ट टाइम कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, जिनको पार्ट टाइम PhD करना है। फिर यहाँ पे एज लिमिट मेंशन की हुई है, तो मिनिमम जो एज लिमिट है BTech लोगों के लिए 28 ईयर्स है, तो अपर एज 28 हो सक होगी तो भी चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। और MTech के लिए 32 ईयर्स का एज लिमिट दिया हुआ है। और कैटेगरी वाइज आपका, अगर आप OBC शेड्यूल क्लास के या फिर वुमेन या PWD कैंडिडेट है, तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया हुआ है, तो जो भी कैंडिडेट है ME MTech है उनको 60% चाहिए, बैचलर्स डिग्री वाले 70%, मास्टर डिग्री इन साइंस है तो 70%, PhD इन साइंस जो अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए MPhil मास्टर डिग्री इन साइंस विद 6.5 CGPA और 60% मार्क्स, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो 6.5 और 60% मार्क्स, और बैचलर डिग्री है तो 7.5 और 70% मार्क्स चाहिए। अब ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के लिए आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया है, तो आपको 55% मार्क्स रहेंगे तो भी चलेगा, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो 60% मार्क्स, और BTech है तो आपको 7.5 CGPA और 70% मार्क्स चाहिए। और जो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं PhD के लिए आफ्टर BTech, वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली ब्राइट स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनका CGPA 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है, IIT से है तो उनका CGPA ग्रेटर देन और इक्वल टू 8.5 होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे नोट्स, रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन पॉलिसी, फाइनेंशियल असिस्टेंट उसका डिटेल दिया हुआ है, तो आपको 37,000 पर मंथ मिलेगा फर्स्ट 2 इयर्स के लिए, और उसके बाद 42,000 पर मंथ मिलेगा। ठीक है, फिर विड्रॉ पॉलिसी, हेल्थ केयर, अकोमोडेशन सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी मेंशन की हुई है, तो एप्लीकेशन फी है 1,000 रुपीज फॉर जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और OBC NCL के लिए, और SC ST वुमेन और ट्रांसजेंडर के लिए 500 रुपीज है। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन फी है आपको जो है SBI कलेक्ट थ्रू पे करनी है, और यहाँ पे उन्होंने अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली अकाउंट नंबर में भी पे कर सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, और जो रिसिप्ट नंबर रहेगा वो आपको डालना पड़ेगा ट्रांजैक्शन का, और आपका जो ई एप्लीकेशन फॉर्म में आपको प्रिंटेड ई रिसिप्ट पेमेंट वो आपको रिजर्व करनी पड़ेगी केयरफुली, क्योंकि जब भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इंटरव्यू के जाओगे तो वो टाइम पे आपको बोलेंगे दिखाने के लिए। ठीक है, तो आपको वो प्रिजर्व करनी है, और जो पेमेंट है एप्लीकेशन का वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन की हुई है, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, 21 अप्रैल लास्ट डेट है, उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगा 2 मई तक के, और फिर एग्जाम 14 to 22 होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। तो ये सब मेंशन किया हुआ है यहाँ पे सारी डिटेल में, और बाकी लिंक्स वगैरह दी हुई है तो वो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। और एप्लीकेशन करने के लिए आप तो यहाँ पे PhD एप्लीकेशन लिंक पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको न्यू रजिस्टर कर रहे हैं तो साइन अप करना है आपको, और साइन अप करने के बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए आपको 21 अप्रैल से पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है।
तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।